यही समय है, सही समय है, जो कभी भारत के लोगों को असंभव लगती थी। एक मेंटल बैरियर तोड़ना बहुत जरूरी है। अगला दशक शुरू होने से पहले भारतीयों के पास घर, शौचालय, गैस, बिजली, पानी, इंटरनेट, सड़क, हर बुनियादी सुविधाएं उसके पास होगी। इसी दशक में भारत को अपनी पहली बुलेट ट्रेन मिलेगी। इसी दशक में भारत को फुली ऑपरेशनल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स मिलेंगे। इसी दशक में भारत के बड़े शहर या तो मेट्रो या नमो भारत रेल के नेटवर्क से जुड़ चुके होंगे। यानी ये दशक भारत की हाई स्पीड कनेक्टिविटी, हाई स्पीड मोबिलिटी और हाई स्पीड प्रॉस्पेरिटी का दशक होगा। साथियों, आप भी जानते हैं ये समय वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिरता का समय है और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे अधिक अस्थिर समय अनुभव हो रहा है। उसकी तीव्रता भी और उसका स्प्रेड भी। पूरी दुनिया में कई सरकारों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में विश्वास की किरण बना हुआ है। मैं आशा की किरण नहीं कह रहा हूं, मैं विश्वास की किरण बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। और ये स्थितियां तब है जब हमने देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं। भारत ने यह साबित किया है कि गुड इकोनॉमिक्स के साथ ही गुड पॉलिटिक्स भी हो सकती है। साथियों, आज एक वैश्विक जिज्ञासा, ग्लोबल क्यूरियोसिटी है कि भारत ने यह कैसे किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा सिक्के के किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने देश की जरूरतें भी पूरी की और सपने भी पूरे किए। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने समृद्धि पर भी ध्यान दिया और सशक्तिकरण पर भी काम किया। जैसे हमने कॉरपोरेट टैक्स में रिकॉर्ड कमी की, लेकिन हमने ये भी सुनिश्चित किया कि पर्सनल इनकम पर भी टैक्स कम से कम हो। मैं आज किलोमीटर की भाषा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि आप हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में आप अगर नजर करेंगे, कुछ न कुछ पहले से अच्छा हो रहा है। और आप लोग भले इस पर डिबेट कर रहे हैं कि तीसरे टर्म में बीजेपी को 370 से कितनी ज्यादा सीटें मिलेगी, मैं भी तो आप लोगों के बीच में रहता हूं। लेकिन मेरा पूरा ध्यान देश के विकास की स्पीड और स्केल पर को और बढ़ाने पर ही लगा हुआ है। अगर मैं सिर्फ 75 दिन का हिसाब दूं आपको, सिर्फ 75 दिन की बात करूं, 75 डेज, तो रिपब्लिक के दर्शक भी हैरान हो जाएंगे और मैं पक्का मानता हूं हैरान हो जाएंगे। यहां कुछ लोग नहीं होंगे। देश में किस स्पीड पर काम हो रहा है। पिछले 75 डेज में मैंने करीब करीब 9,00,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है।
ये 110 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा होता है। दुनिया के कितने ही देशों का ये साल भर का खर्च भी नहीं है और हमने सिर्फ 75 डेज में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इससे ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। पिछले 75 दिन में देश में 7 नए एम्स का लोकार्पण हुआ है, 4 मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, 6 नेशनल रिसर्च लैब शुरू हुई है, 3 आईआईएम, 10 आईआईटी, 5 एनआईटी के परमानेंट कैंपस या उनसे जुड़ी सुविधाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, 3 ट्रिपल आईटी, 2 आईसीआर और 10 सेंट्रल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इन्हीं 75 दिनों में 55 पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन या शिलान्यास हुआ है। काकरापार परमाणु ऊर्जा प्लांट के 2 नए रिएक्टर राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। कल्पकम में स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत हुई है और यह एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी काम है। तेलंगाना में 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ है। झारखंड में 1300 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ है। यूपी में 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास हुआ है। यूपी में ही 300 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास हुआ है। इसी कालखंड में यूपी में ही अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल पार्क का भी शिलान्यास हुआ है। हिमाचल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। तमिलनाडु में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल को लॉन्च किया गया है। यूपी के मेरठ सिंभावली ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन हुआ है। कर्नाटक के कोप्पल में विंड एनर्जी जोन के ट्रांसमिशन लाइसेंस का उद्घाटन किया गया है। इन्हीं 75 दिनों में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित ब्रिज का लोकार्पण हुआ है। लक्षद्वीप तक अंडरसी ऑप्टिकल केबल के काम को लोकार्पण करके पूरा करके लोकार्पण किया गया है। देश के 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम शुरू हुआ है। 33 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। रोड ओवरब्रिज अंडरपास की 1500 से ज्यादा परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। देश के 4 शहरों में मेट्रो से जुड़ी 7 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। कोलकाता को देश के पहले अंडरवाटर मेट्रो की सौगात मिली है। पोर्ट डेवलपमेंट की 10,000 करोड़ रुपए की 30 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। पिछले 75 दिनों में ही किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू हुई है। 18,000 कोऑपरेटिव के कंप्यूटराइजेशन के काम को पूरा कर दिया गया है। किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं। और रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें मैं शामिल रहा हूं। और ये मैंने सिर्फ शिलान्यास और लोकार्पण की बात की, और भी तो बहुत कुछ किया है, वो मैं ये बता रहा हूं आपको। इसके अलावा मेरे सरकार के बाकी मंत्री, बीजेपी एनडीए की दूसरी सरकारों की लिस्ट अगर मैं बोलता जाऊंगा तो मैं नहीं मानता हूं आप सुबह की चाय का इंतजाम किया है कि नहीं किया है। लेकिन मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि हमारी सरकार की स्पीड क्या है, कैसे काम कर रही है। आप भी जानते हैं कि इस साल के बजट में, यानी बजट तो अभी अभी गया है, इस साल के बजट में सोलर पावर से जुड़ी एक बड़ी योजना की घोषणा की गई थी। बजट की घोषणा के बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कैबिनेट से मंजूरी देने में, लॉन्च करने में 4 सप्ताह से भी कम का समय गया है। अब तो 1 करोड़ घरों को सूर्य घर बनाने के लिए सर्वे भी शुरू हो गया है। इस योजना के तहत सरकार की तैयारी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने और अतिरिक्त 16 यूनिट से लोगों को कमाई करवाने की भी है। आज देशवासी हमारी सरकार की स्पीड और स्केल को अपनी आंखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और इसलिए ही वो कह रहे हैं एक बार फिर एक बार। साथियों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके खिलाफ इतनी नेगेटिव कैंपेन चलाई जाती है, इतने हमले होते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता क्या? मैं उनको यही बोलता हूं
कि अगर मैं इस नेगेटिव कैंपेन पर ध्यान देने लग गया तो फिर मुझे जो काम करने हैं वो रह जाएंगे। मैंने 75 दिन का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है, लेकिन साथ ही मैं अगले 25 साल का रोडमैप भी लेकर चल रहा हूं, और मेरे लिए एक एक सेकंड कीमती है। इस चुनावी माहौल में भी हम जनता के पास जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ गुस्सा है, गालियां है, निराशा है। इनके पास ना मुद्दा है और ना कोई समाधान है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पार्टियों ने 7 दशक तक सिर्फ स्लोगन्स पर चुनाव लड़ा। ये लोग गरीबी हटाओ कहते रहे, ये स्लोगन से उनकी सच्चाई है। बीते 10 साल में लोगों ने स्लोगन्स नहीं सॉल्यूशंस देखे हैं। खाद्य सुरक्षा हो या खाद कारखानों को फिर से शुरू करना हो, लोगों को बिजली देनी हो या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो, लोगों के लिए आवास योजना बनाने से लेकर आर्टिकल 370 को हटाने तक हमारी सरकार ने सारी प्राथमिकताओं को एक साथ लेकर काम किया है। साथियों, रिपब्लिक टीवी का सवालों के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। नेशन वॉन्ट्स टू नो, और ये कहते कहते आप लोग अच्छों अच्छों के पसीने छुड़ा दिए हैं। पहले देश में सवाल होता था कि आज देश कहां है, देश किस हालत में है, लेकिन देखिए बीते 10 वर्षों में ये सवाल कैसे बदल गए। 10 साल पहले लोग बोलते थे हमारी इकोनॉमी का अब क्या होगा, आज लोग पूछते हैं हम कितनी जल्दी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। 10 साल पहले लोग बोलते थे हमारे पास ये विकसित देशों वाली टेक्नोलॉजी कब आएगी, आज लोग विदेशों से आने वालों से पूछते हैं आपके यहां डिजिटल पेमेंट नहीं होता है क्या। 10 साल पहले लोग नौजवानों से कहते थे नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे, आज लोग नौजवानों से पूछते हैं तुम्हारा स्टार्टअप कैसा चल रहा है। 10 साल पहले एनालिस्ट पूछते थे इतनी महंगाई क्यों है, आज यही लोग पूछते हैं पूरी दुनिया के संकट के बाद भी भारत में महंगाई नियंत्रण कैसे। 10 साल पहले पूछा जाता था विकास क्यों नहीं हो रहा, आज पूछा जाता है आखिर हम इतनी तेजी से विकास कर कैसे रहे हैं। पहले लोग पूछते थे अब कौन सा घोटाला निकला, आज पूछा जाता है अब कौन से घोटालेबाज पर कार्रवाई हुई। 1 मीडिया के साथ ही पूछते थे कहां है बिग बैंग रिफॉर्म्स, आज पूछा जाता है इलेक्शन टाइम बजट में भी रिफॉर्म्स कैसे आ रहे हैं। 10 साल पहले लोग पूछते थे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 कभी खत्म होगा क्या, आज पूछा जाता है कश्मीर में कितने पर्यटक आए, कश्मीर में कितना निवेश आया। वैसे मैं आज सुबह ही श्रीनगर में था, अनेकों नई परियोजनाओं का शिलान्यास करके और लोकार्पण करके आया हूं, और आज नजारा ही कुछ और था दोस्तों। 40 साल से मेरा इस धरती उस धरती से नाता रहा है, आज मैंने अलग मिजाज देखा, अलग रूप देखा, सपने देखे, आत्मविश्वास से भरे हुए लोग देखे। साथियों, दशकों तक सरकारों ने जिन्हें कमजोर मानकर लायबिलिटी मानकर छोड़ दिया, इन 10 वर्षों में हमने उनकी जिम्मेदारी लेने का काम किया है। इसलिए मैं कहता हूं जिसका कोई नहीं मोदी उसके साथ खड़ा है। आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण लीजिए, वर्षों तक
इन जिलों को, यहां रहने वाले करोड़ों देशवासियों को पिछड़ा बताकर भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया था। ये पिछड़ा इलाका है। हमारी सरकार ने ना सिर्फ सोच बदली बल्कि अप्रोच भी बदला और साथ साथ उनका भाग्य भी बदला। इसी तरह हमारे बॉर्डर किनारे के जिले और वहां के रहने वालों की भी जिंदगी थी। पहले की सरकारों की नीति थी कि सीमा से सटे इलाकों का विकास ना हो, ऑफिशियली कहते थे विकास ना हो। इस नीति के कारण वहां रहने वाले लोगों को भी परेशानी होती थी, पलायन होता था। हमने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया जिससे कि लोग सशक्त हो और इलाकों की स्थितियां बदले। दिव्यांगों का उदाहरण देखिए, वर्षों तक इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वोट बैंक नहीं थे। हमने ना सिर्फ दिव्यांगों को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी बल्कि लोगों की सोच भी बदली। आप हैरान हो जाएंगे जी, मैं कहूंगा ये ऑडियंस को तो शायद बेचैनी हो जाएगी। हमारे यहां राज्यों में लैंग्वेज अपने अपने तरीके से विकसित हुई, विविधता है, धर्म का विषय है, लेकिन हमारे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं जिनको सुनने बोलने की दिक्कत है उनके लिए साइनेसिस की जरूरत होती है। आप हैरान होंगे हमारे देश में साइनेसिस भी अलग अलग प्रकार के चलते हैं। अब मुझे बताइए कि दिल्ली का आदमी जयपुर जाए और सामने वाला दूसरी साइनेसिस से बात करेगा तो क्या होगा उसका? आजादी के इतने सालों के बाद मैंने उस काम को किया, कमेटी बिठाई और आज पूरे देश में मेरे दिव्यांगजनों के लिए एक ही प्रकार के साइनेसिस पढ़ाए जाते हैं। बात छोटी लगेगी लोगों, लेकिन जब एक संवेदनशील सरकार होती है ना तब उसकी सोच, उसका अप्रोच जमीन से जुड़ा हुआ होता है, जड़ों से जुड़ा हुआ होता है और जनों से जुड़ा हुआ होता है। और देखिए दिव्यांगों के प्रति आज समाज का नजरिया बदला है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तक दिव्यांगों के हिसाब से अब बनना, आर्किटेक्चर जो होते हैं वो भी डिजाइन करते समय दिव्यांग के लिए बना करके ले आ रहा है। ऐसे कितने ही स्पेशल ग्रुप और कम्युनिटीज है जिन्हें आजादी के बाद से कोई महत्व नहीं दिया गया। हमने ऐसी घुमंतु जनजातियों के लिए स्पेशल वेलफेयर बोर्ड, किसी ने भी हमारे लाखों रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन कोरोना के समय हमारी सरकार ने इनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई। किसी ने भी हमारे उन स्किल्ड कलाकारों की परवाह नहीं की जिन्हें आज हम विश्वकर्मा कहते हैं। हमने ये सुनिश्चित किया इस वर्ग को स्किलिंग से फंडिंग तक किसी चीज की दिक्कत ना आए। इस पर केंद्र सरकार अब 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथियों, रिपब्लिक टीवी की टीम जानती है कि हर उपलब्धि के पीछे मेहनत, विजन और संकल्पों की एक लंबी यात्रा होती है, जो अभी अर्णब ने भी थोड़ा बहुत ट्रेलर दिखाया हमको। भारत भी अपनी इस यात्रा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अगले डेकेड में भारत जिस ऊंचाई पर होगा वो अभूतपूर्व होगी, अकल्पनीय होगी। और ये भी मोदी की गारंटी है। साथियों, मुझे अच्छा लगा आप भी एक ग्लोबल विजन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे पक्का विश्वास है। लेकिन जो आपने कहा तो मैं विदाउट रॉयल्टी एक दो सुझाव दे दूं, कोई रॉयल्टी की जरूरत नहीं है मुझे। देखिए, आप राज्यों की जो चैनल बनाने के लिए सोच रहे हैं, एक के बाद एक करने जाएंगे तो मिल नहीं बैठेगा सर। मैं मूलतः मेरा सोचने का तरीका ही अलग है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप एक डेडिकेटेड ऐसी चैनल बनाइए जिसमें आप टाइम फिक्स कीजिए कि 2 घंटे गुजराती, 2 घंटे बंगाली, 2 घंटे मलयालम, एक ही चैनल होगी। ट्रांसलेशन तो कर ही देता है और मैं AI की दुनिया में काफी आगे बढ़ा रहा हूं देश को। अब मेरे अपने भाषण 8-9 भाषाओं में तो आप आसानी के साथ सुन सकते हैं। अभी मैं भाषण कर रहा हूं सभी भाषाओं में, बहुत ही विदाउट नो टाइम मिल जाएंगे, तमिल लोगों को मिलेगा, पंजाबियों को मिलेगा। आप भी, उससे क्या होगा, आपकी कोर टीम तैयार हो जाएगी और जो कोर टीम ज्यादा तैयार होती है, जो इकोनॉमिकली वायबल बनता है, फिर आपको 15 दिन के बाद उसको डेडिकेट कर दीजिए। आप एक दिन में 6 राज्यों की चैनल क्यों नहीं चलाते, टाइम फिक्स कर दीजिए। मैं और टेक्नोलॉजी के लिए सब बड़ा बहुत मुश्किल काम नहीं है,
दूसरा, जो आप ग्लोबल चैनल बनाना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी चैनल देखे। शुरू में आप एक न्यूज एजेंसी के रूप में सार देशों पर काम कर सकते हैं, ये मालदीव वाले लोगों को मदद हो जाएगी। इंडस्ट्री तरह बहुत पुराने दोस्त है तो मैं उसे कुछ भी कह सकता हूं। लेकिन अगर आप सार देशों में कम से कम, क्योंकि उन लोगों को इंडिया के न्यूज में इंटरेस्ट होता है, सार देशों में उनकी लैंग्वेज एक प्रकार से, फिर बिम्स्टेक में चले जाइए धीरे धीरे, मैं समझता हूं। लेकिन ये काम ऐसा नहीं होता साहब कि इस 5 साल में मनरेगा करूंगा फिर 5 साल तक मनरेगा के ढोल पिटूंगा। देश ऐसे नहीं चलता है जी, देश तेज गति से चलता है, देश को बहुत बड़े काम करने होते हैं। और मैं मानता हूं आपको तो चुनाव लड़ना नहीं है, चिंता क्यों कर रहे हो? और मुझे लड़ना है तो भी मैं चिंता नहीं करता हूं।